for latest Bollywood gossips, subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस ने हीरे गाने में अपने अमेजिंग मूव्स और इम्प्रेसिव स्टाइल क्वेश्चन से सबको इम्प्रेस कर दिया है। इस गाने में सलमान एक पर्सनलाइज जैकेट पहनकर डांस कर रहे हैं। अब हमें पता चला है कि ये जैकेट सलमान ने खुद किया है कस्टमाइज। जी हाँ, इस जैकेट को देखिए। इसे डिजाइन करते वक्त सलमान और उनके डिजाइनर एशले रुबेलो एक यूनिक लुक प्लान कर रहे थे और सलमान इस जैकेट पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफी एक्साइटेड थे और रिजल्ट है ना काफी इम्प्रेसिव। आप इस जैकेट के जरिए सलमान का एक और टैलेंट सामने आया है और हम इस जैकेट को देखकर काफी इम्प्रेस्ड हैं। और आप will have the power and lust to overpower Salman Khan's registry on June 15th? I mean, you're serious. Was that like a serious question, sir? I really need to know that. If it's a funny question, you deserve the laughter that surrounds you. Because otherwise it's just a bit... Of course not! Salman Khan is on a different platform. He is the big master of mainstream cinema. Race is going to be a humongous film. It's a franchise film. It's a totally different film with a totally different syntax. We're not competing, fighting. Hame wo aukaad hi nahi hai to fight with Salman Khan or Race. We are actually very happy for filmmakers who have made a tiny little film which we are very gratified to Netflix for, who have accepted our film with open arms. And we are not competing with anyone. We don't have the right to compete with the magnitude of Salman Khan. I mean, Race is like, I'll probably be going to see Race on the 15th and not Love Stories. Race 3 का ट्रेलर लॉन्च काफी ग्रैंड इवेंट था और सभी इस ओकेजन पर काफी खुश थे। पर क्या आप जानते हैं कि इस दिन दो बार सलमान खान ने अपना आपा खो दिया था। ये सब तब शुरू हुआ जब मीडिया रेस 3 की टीम के साथ इंटरेक्ट कर रही थी। एक जर्नलिस्ट ने सलमान से ब्लैक बक शूटिंग केस के बारे में पूछते हुए कहा कि क्या आप वर्डिक्ट के समय रेस 3 के बारे में वर्डिक्ट थे। ये सवाल सुनते ही सलमान काफी गुस्सा हुए और उन्होंने रूडली जर्नलिस्ट से पूछा, Thank you. Sorted. We go back. Seriously. Because I was worried. सलमान ने अपना गुस्सा निकाला और फिर नॉर्मल हो गए। मगर फिर एक और जर्नलिस्ट ने उनसे रेमो के साथ उनकी डांसिंग डैड की फिल्म के बारे में पूछा और ये कहा कि क्या उन्होंने ट्यूबलाइट के फ्लॉप होने के बाद इस फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब इस सवाल से भी सलमान काफी खफा हो गए और उन्होंने कहा, So yeah, I did really badly and Tubelight has done really badly, but it's still done much better than the rest of the films, which I'm really happy. Even though we returned back a lot of money, we had a lot of money to put into Race 3. But that. So if that you call disaster, then I'm really honored and privileged to be in this position that 100 crore plus films are considered disasters of mine. Thank you so much, madam. सलमान ने आगे ये भी कहा कि No, so the decision was that मार्टिन के साथ एक पिक्चर कर लिया, मुन्नी के साथ एक पिक्चर कर लिया, so now there's another kid. ऐसे बच्चों को थोड़ा सा ब्रेक दो, बड़ों के साथ काम करो, बच्चे तो फिर भी हो जाएंगे और काम कर लेंगे। दो बार ब्लास्ट करने के बाद सलमान ने अपना टेम्पर कंट्रोल कर दिया और इवेंट सक्सेसफुल रहा। तब आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस ने पार्टी एंथम हीरे में अपने सिजलिंग डांस मूव से डांस फ्लोर पर आग लगा दी है। इस गाने के मैजिकल लिरिक्स हमें हीर रांझा की कहानी के एक अनोखे अनसुने अंदाज में दर्शाती है और मीत ब्रदर्स ने इस गाने की कॉम्पोजिशन में अपनी जान लगा दी है। साथ ही नेहा भसीन और दीप मणि की आवाज से अब ये गाना सुपर डुपर हिट हो चुका है। इस पिक में हम देख सकते हैं किस तरह सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस, प्रोड्यूसर रमेश तोरानी और फिल्म मेकर रेमो डिसूजा मिलकर मीत ब्रदर्स के साथ पूरे स्वैग और स्टाइल से पोज कर रहे हैं। तो अब आपका इस डिलाइटफुल पिक के बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।
हमने सलमान खान के अपकमिंग थ्रिलर रेस 3 के पार्टी नंबर हीरे का फर्स्ट लुक शेयर किया था और इस स्टिल में सलमान और जैकलीन की इम्पेकेबल केमिस्ट्री बखूबी नजर आ रही है। गाने के फर्स्ट लुक और टीजर ने फैंस में इतनी क्यूरियोसिटी ट्रिगर कर दी है कि सभी इस गाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जब ये गाना एक्चुअली लॉन्च हुआ तो इंटरनेट की दुनिया में धमाका कर दिया। मीत ब्रदर्स की इस कॉम्पोजिशन को नेहा भसीन और दीप मनी ने गाया है। इस गाने के पेपी बीट्स और साथ ही सलमान और जैकी के हॉट मूव्स एक ओवरनाइट सेंसेशन बन गए हैं। जी हाँ, YouTube पर व्यूज, लाइक्स और शेयर्स की बाढ़ सी आ गई है और फैंस इस गाने को लूप में एंजॉय कर रहे हैं। अब सलमान के स्वैगी नंबर के बाद हमें यकीन है कि रेस 3 का हीरे गाना भी बन जाएगा अगला पार्टी एंथम, है ना? रेस 3 के ट्रेलर ने सभी को कर दिया है इम्प्रेस्ड। तारीफें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मूवी बफ्स और इंडस्ट्री इनसाइडर्स दोनों ही इस ट्रेलर की खूब तारीफ कर रहे हैं और अब सनी देओल ने भी की है रेस 3 के ट्रेलर की तारीफ। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि सनी देओल के भाई बॉबी देओल इस फिल्म के साथ इंडस्ट्री में कम बैक कर रहे हैं और सनी फिल्म में बॉबी की ट्रांसफॉर्मेशन से काफी इम्प्रेस्ड है। इस बारे में बात करते हुए सनी ने कहा, मेरे भाई ने अपनी बॉडी पर मेहनत की है और मैं उसकी सक्सेस को लेकर काफी पॉजिटिव हूँ। जल्द ही हमारी फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का ट्रेलर रेस 3 के साथ लिंक होगा, तो इस बात का सभी को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि सनी ने सलमान खान के बारे में कुछ नहीं कहा, पर एक बात तो पक्की है कि ये गदर स्टार रेस 3 के ट्रेलर से काफी इम्प्रेस्ड है। आपको नहीं लगता? नीचे दिए सेक्शन में हमें जरूर बताएं। का ट्रेलर कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ और सभी इस ट्रेलर के रिस्पॉन्स को देखने के लिए काफी क्यूरियस थे, मगर सलमान बिल्कुल नहीं। अपने आसपास इतनी एक्साइटमेंट और एक्टिविटीज के चलते भी सलमान पूरी तरह से अनअफेक्टेड थे और इस पिक में हम देख सकते हैं उन्हें ट्रेलर लॉन्च के दिन चिल करता हुआ। उनकी स्माइल और उनके सुल्तानी अंदाज की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। और अब हम सोच रहे हैं कि क्या रेस 3 के रिलीज डे पर भी सलमान इतने ही काम और चिल्ड होंगे। वेल, अब जो इस फिल्म के रिलीज में एक महीने से भी कम समय रह गया है तो हमें उनके रिएक्शंस का इंतजार रहेगा। तो तब तक आप सलमान की इस चिलिंग पिक्चर पर अपने कमेंट्स नीचे दिए सेक्शन में शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया की और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए मूवीज अड्डा। सलमान को सोशल मीडिया किंग माना जाता है और वो अक्सर कुछ न कुछ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते रहते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से सलमान खान सोशल मीडिया के जरिए हमें रेस 3 की सारी अपडेट्स दे रहे थे और साथ ही फिल्म के अलग अलग कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस कर रहे थे और अब अचानक उन्होंने ट्विटर पर एक पिक शेयर करके फैंस को सरप्राइज कर दिया। उन्होंने इस पिक के कैप्शन में लिखा, बस मूड किया ट्वीट करने का, तो ये रहा मेरा ट्वीट। वाओ, अब सलमान को ब्लैक कपड़ों में रेगिस्तान की रेत के बैकड्रॉप में पोज करता देखकर हम तो काफी इम्प्रेस्ड है और अब हम सोच में पड़ गए हैं कि कहीं ये कोई रेस 3 का स्टिल तो नहीं है। आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताएं।